अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम टू पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज थ्री। हाउ आर यू एंड आई होप यू विल बी फाइन। सो वेलकम टू योर फर्स्ट ऑनलाइन जियो क्लास फॉर क्लास फोर फॉर सेशन 2021 to 2022। सो बी रेडी फॉर योर जियो ऑनलाइन क्लास। दिस इज़ योर जियो ऑनलाइन क्लास टाइम। सो दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम विद जियो बुक। सो काइंडली सी द पिक्चर ऑफ जियो बुक ऑन योर स्क्रीन। ये आपकी जियो की बुक है। ये आपके लिए एक नई बुक है क्योंकि थ्री क्लास में आप जियो की बुक नहीं पढ़ते थे, फोर क्लास में इसकी एडिशन हो जाती है। आपको पता होता है, आप अपने स्कूल में देख चुके हैं कि जियो का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। सो दिस इज़ योर जियो बुक। सो इट इज़ योर फर्स्ट टाइम। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड जियो। वी कॉल इट जियो बट द फुल वर्ड इज जियोग्राफी। जियो एंड ग्राफी, इट मीन्स दीज आर द टू वर्ड जियो एंड ग्राफी। सो वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जियोग्राफी। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। जियो का मतलब है अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। क्या मतलब हुआ? इट मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ। जियोग्राफी की बुक में आप क्या पढ़ोगे? अर्थ के बारे में पढ़ोगे। अर्थ में जो कुछ है, जो कुछ भी है, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? जियोग्राफी। अगर अर्थ पर एनिमल्स हैं, माउंटेंस हैं, रिवर्स हैं, जो कुछ भी अर्थ से रिलेटेड होगा और आप उसकी स्टडी करेंगे तो आप उसको जियोग्राफी कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू है, इंग्लिश है, एसएसटी है, इंग्लिश के बारे में जो कुछ पढ़ते हैं तो आप उसको इंग्लिश की बुक इंग्लिश कहते हो। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ के अर्थ के बारे में पढ़ोगे तो उसको क्या कहोगे? जियोग्राफी। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। बट व्हाट काइंड ऑफ स्टडी? जियोग्राफी इज़ द साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइज हो, ऑर्डर हो, मैनेज्ड हो। आप किसी चीज़ को मैनेज ऑर्डर तरीके से पढ़े उसको साइंटिफिक कहते हैं। ग्राफी, जियोग्राफी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल एंड पोलिटिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। इट मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ पोलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स। अर्थ की स्टडी है बट वट काइंड ऑफ स्टडी? पोलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द अर्थ ऑन योर स्क्रीन। अब अर्थ के, अर्थ को जिसको आप ग्लोब भी कहते हैं, ग्लोब को देख रहे हैं। अब इस ग्लोब और अर्थ में जितनी चीज़ें होंगी और उसकी स्टडी करेंगे उसको जियोग्राफी कहेंगे। बट वट काइंड ऑफ स्टडी? फिजिकल एंड पोलिटिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। सो वट इज़ फिजिकल फीचर्स एंड वट इज़ पोलिटिकल फीचर्स, ये भी जानने की ज़रूरत है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल टेल यू वट इज़ फिजिकल फीचर्स। Physical features give us knowledge about division of earth, deserts, forests, rivers, mountains, ocean, etc. What are the physical features? The division of earth. Earth ka division, division means divide karna, kis cheez mein? Deserts mein, forest mein, rivers mein, mountains mein, oceans mein. It means physical features give us knowledge about these things. फिजिकल फीचर्स का बेसिकली मतलब है दोस थिंग विच यू कैन सी। फॉर एग्जांपल यू कैन सी द पिक्चर, इट हैज़ माउंटेंस, इट हैज़ रिवर्स, इट हैज़ फॉरेस्ट, इट हैज़ ओशंस। इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप कहीं जाते हैं वहाँ पर आप फॉरेस्ट को देखते हैं, माउंटेंस को देखते हैं, जैसे गलियात का एरिया है, मरी वगैरह, वहाँ पर आप जाते हैं तो इन चीज़ों को आप यूजुअली देखते हैं। जब देखते हैं फिर किसी से क्वेश्चंस भी पूछते हैं आपने पेरेंट्स से, फादर कि ये क्या है, वो क्या है, तो आप उनको देखते हैं तभी आप क्वेश्चन पूछते हैं। सो दीज आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जो आप देख सकते हैं। फिजिकल फीचर आर दोस थिंग विच यू कैन सी विद योर आइज। तो ये फिजिकल फीचर आप देख सकते हैं और इसके बारे में हमें नॉलेज देता है जियोग्राफी। जियोग्राफी में जो आपने देखा कि ये फिजिकल फीचर और पॉलिटिकल फीचर्स को स्टडी करता है। सो बस इसको अर्थ को डिवाइड किया है फिजिकल फीचर्स में और पॉलिटिकल फीचर में। फिजिकल फीचर्स में ये चीज़ें आती हैं जो आप देख सकते हैं और ये इसके बारे में आपको नॉलेज देता है। नाउ व्हाट आर द पॉलिटिकल फीचर्स? पॉलिटिकल फीचर टेल अस इन डिटेल अबाउट वेरियस कंट्रीज, पॉपुलेशन, लैंग्वेजेस, कल्चर्स एटसेट्रा। इट मीन्स पॉलिटिकल फीचर वो है जो आपको कंट्री की डिफरेंट पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं, लैंग्वेजेस के बारे में बताते हैं, कल्चर्स के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ पर बहुत सारी कंट्रीज़ है तो ये आपको बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में बताएगी, पर उसके बाद कंट्रीज़ की पॉपुलेशन के बारे में बताएगी।
यू कैन सी द पॉपुलेशन पिक ऑन योर स्क्रीन, ये आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में बताएगी. फॉर एग्जाम्पल, ये एक ही हेलो वर्ड है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा है. देन कल्चर्स के बारे में बताएगी. आप देख सकते हैं बच्चों ने या ये कार्टून ने डिफरेंट क्लोज पहने हैं. इट मीन्स पोलिटिकल फीचर टेल अस अबाउट दोज थिंग विच यू कॉन्ट सी बट यू कैन ऑब्जर्व. पॉपुलेशन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. पॉपुलेशन के बाद लैंग्वेजेस को, कल्चर्स को. फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं जाते हैं, पेशावर से पंजाब जाते हैं या कराची जाते हैं, वहाँ पर अपनी लैंग्वेज होती है, वहाँ का अपना कल्चर होता है. फॉर एग्जांपल, विद इन पाकिस्तान को छोड़े, इफ़ यू गो एब्रॉड, अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, कहीं इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, उनका अपना कल्चर होता है, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है. उनकी आबादी हमसे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. तो इन चीज़ों को जब आप स्टडी करते हैं तो वो कहाँ पर आती हैं? पॉलिटिकल फीचर्स, ज्योग्राफी की पॉलिटिकल फीचर्स में आती हैं. तो यहाँ पर अर्थ पर आप पॉलिटिकल फीचर्स और फिज़िकल फीचर्स को जब कंबाइन करते हैं तो इसमें पूरी की पूरी चीज़ें कंबाइन हो जाती है. अर्थ के बारे में सारी की सारी जो आप देख सकते हैं और जो आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को जब आप स्टडी करते हैं और उनसे नॉलेज गेन करते हैं, सो दिस इज़ द जियोग्राफी. क्लियर? तो जियोग्राफी का मतलब है कि आप अर्थ के बारे में स्टडी करें, पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में भी स्टडी करें और फिज़िकल फीचर्स के बारे में भी स्टडी करें. सो ये बन जाता है आपका जियोग्राफी. इट इज़ योर फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इन डिटेल अगेन एंड अगेन दैट व्हाट इज़ जियोग्राफी, एंड आई होप इट विल बी क्लियर टू यू. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन अबाउट पाकिस्तान मैप. फर्स्ट मैंने आपको बताया कि जियोग्राफी क्या है. अब आपका सेकंड टॉपिक, सबसे पहले जो आप जियो में पढ़ोगे, आपको पता है जियो में हम मैप्स भी पढ़ते हैं. तो सबसे पहले आप पाकिस्तान में रहते हैं, सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पाकिस्तान मैप. सो यू कैन सी द पाकिस्तान मैप, बट उस पर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है. सो इट इज़ बेसिकली द मैप ऑफ पाकिस्तान. इफ़ यू आर स्टडिंग द पाकिस्तान मैप, फर्स्ट वी विल डिस्कस द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान मैप. जब हम पाकिस्तान को ही पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसकी प्रोविंसेस को भी समझना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी प्रोविंसेस हैं. ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, आपने पहले भी प्रोविंसेस के बारे में सुन चुके हैं. सो दीज आर द फोर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान. द फर्स्ट वन इज़ पंजाब, द सेकंड वन इज़ सिंध, द थर्ड वन इज़ बलूचिस्तान एंड द फोर्थ वन इज़ KPK. These are the four provinces of Pakistan. The first one is Punjab, the second one is Sindh, the third one is Balochistan, and the fourth one is KPK. And the fifth one, which is not officially announced, but we also consider it as a province, that is Gilgit-Baltistan. आपने सुना होगा कि अब पाकिस्तान के five provinces हैं and the fifth one is Gilgit-Baltistan, जो officially announced नहीं हुआ है, लेकिन हम उसको as a province consider कर सकते हैं. And you can see the picture of four provinces on your screen. The next thing is the map of Pakistan. You can see the map of Pakistan on your screen. You can see the four provinces of Pakistan within the Pakistan map. Basically, it is the Pakistan map. और Pakistan map को आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है Gilgit-Baltistan. Gilgit-Baltistan लिखा हुआ है, but I told you it is not officially announced, but we consider it as a province. That's why it is added in the Pakistan map. Then you can see the large area of Balochistan. Balochistan के बाद पंजाब का area ज़रा उससे छोटा है लेकिन बड़ा है. देन सेंध, देन KPK एरिया वाइज छोटा है. एंड आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर is under Indian Army control. 90% जो है वो Indian Army control में है, only 10% is under Pakistan Army control. इसलिए वो अभी आज़ाद नहीं हुआ. आप TV पर भी देखते हैं कि कश्मीर अभी आज़ाद नहीं हुआ. That's why the reason is क्योंकि 90% majority area उनके under control में है and only 10% is under Pakistan Army control. And these are the four provinces of Pakistan: Balochistan, Sindh, Punjab and KPK. Okay, area wise provinces का मतलब ये है कि सबसे बड़ा area के लिहाज से कौन सा है. area के लिहाज से सबसे बड़ा बलूचिस्तान है. you can see on the map कि बलूचिस्तान के जगह जो area है वो सबसे बड़ा है. the second one is Punjab. if you compare the area
बिटवीन बलूचिस्तान एंड पंजाब. सो पंजाब बलूचिस्तान से छोटा है, फिर पंजाब से छोटा सिंध है एंड सिंध से छोटा केपीके है. इट मीन्स द एरिया वाइज द लार्जेस्ट प्रोविंस इज बलूचिस्तान. यू कैन सी फ्रॉम द मैप एंड यू कैन सी ऑन द नेक्स्ट लाइन जो 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. इट मीन्स द लार्जेस्ट वन इज बलूचिस्तान, द सेकेंड वन इज पंजाब एंड द थर्ड वन इज सिंध एंड द फोर्थ वन इज केपीके. दीज आर द एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है. द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट पॉपुलेशन वाइज प्रोविंसेस. इट मीन्स वो जो था वो एरिया वाइज था, मतलब वहाँ पर जगह कितनी है. अब पॉपुलेशन का मतलब है आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है. पंजाब. इट मीन्स द मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज पंजाब, द सेकेंड वन इज सिंध, द थर्ड वन इज केपीके एंड द फोर्थ वन इज बलूचिस्तान. पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है, सेकेंड वन सिंध है, फिर थर्ड फिर केपीके है एंड द फोर्थ वन इज़ बलूचिस्तान. द प्रीवियस लाइन में अगर आप देखते हैं बलूचिस्तान टॉप पर था बिकॉज एरिया वाइज बलूचिस्तान इज़ द बिगेस्ट, बट पॉपुलेटेड वाइज द बलूचिस्तान इज़ द लास्ट वन. पॉपुलेटेड वाइज पंजाब इज़ द लार्जेस्ट वन. सो दीज आर द डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस अकॉर्डिंग टू एरिया एंड अकॉर्डिंग टू population. So these are the four basic provinces of Pakistan. So okay, the next thing is neighboring countries of Pakistan. Neighboring का क्या मतलब है, हमसाए मुल्क जिसे हम कहते हैं. For example, जब आप कहीं रहते हैं, आप किसी घर में रहते हैं, आपके चारों गर्द गिर्द आपके नेबर्स होते हैं जिसको आप हमसाए कहते हैं. जहाँ पर आपका घर ख़त्म होता है उसी के साथ आपका नेबरिंग घर शुरू हो जाता है. आपका नेबर्स का जो घर होता है वो आपके घर के अंदर नहीं होता बल्कि आपके घर की बाउंड्रीज के साथ होता है. इसी तरह इफ़ यू सी द पिक्चर ऑफ पाकिस्तान मैप, जो आप पाकिस्तान के मैप की पिक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो और उसके इर्द गिर्द फिर आप देखिए नेबरिंग कंट्री, जिसमें नेबरिंग कंट्रीज में आता है चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान. चाइना को अगर आप देखें जहाँ पर आपको वो K2 नज़र आता है, यहाँ से पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं माउंटेन K2 माउंटेन. इट मींस कि यहाँ पर पाकिस्तान के बॉर्डर्स का कनेक्शन है, तभी वो पाकिस्तान से K2 जाते हैं. कोई ना कोई बाउंड्री है जिसके थ्रू, कोई ना कोई रूट है जिसके थ्रू वो पाकिस्तान से चाइना तक माउंटेन के लिए जाते हैं. फिर अगर आप इंडिया को देखें जहाँ पर वाघा बॉर्डर है, जहाँ पर लोग लाहौर जाते हैं, फिर वाघा बॉर्डर जाते हैं जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा गेट लगी होती है और इर्द गिर्द लोग खड़े होते हैं. और अगर इफ़ यू क्रॉस द गेट इट मीन्स यू हैव इंटर इनटू इंडिया, वहाँ पर इंडिया शुरू हो जाती है. यहाँ पर पाकिस्तान होता है और वहाँ पर इंडिया होता है, फिर ईरान, फिर अफगानिस्तान. आप देखते हैं लोग काबुल वगैरह जाते हैं रूट के थ्रू. इट मीन्स दीज बाउंड्रीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट्स वाई पीपल गो देयर. यहाँ पर इनकी बॉर्डर्स कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से मिली हुई है, इसलिए लोग जाते हैं. आपने कभी नहीं सुना होगा कि जी मैं गया अमेरिका गया लंदन गया, नहीं. लेकिन आपने सुना होगा कि मैं ये वाले माउंटेन पर गया, वाघा बॉर्डर गया, काबुल गया, क्योंकि दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान. फोर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान, जिसके साथ पाकिस्तान की बाउंड्रीज कनेक्टेड हैं. और आप देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान के मैप के अंदर नहीं है बल्कि वो चार साइड पर पाकिस्तान के मैप के बाहर है. इट मीन्स दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज. जैसे आपके घर के साथ आपकी कोई घर कनेक्टेड है, आप उसको कहते हैं ये हमारे हमसाए. सेम इज़ द थिंग विद द पाकिस्तान मैप, जो उसके पाकिस्तान मैप जहाँ पर ख़त्म होता है और उसके बाद जोन से मुल्क का मैप शुरू होता है. इट मीन्स इट इज़ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड यू कैन सी द फोर साइड एंड फोर नेबरिंग कंट्रीज, दैट इज़ चाइना, India, Afghanistan and Iran. So this were all about the Pakistan map. If you have any question, you can ask me in the next class and I hope you will understand the first lecture of Geo, or I hope ye aapke liye easy hoga. Thank you so much.